They have had it. He has had the food. I have had milk. She had had tea. I had had the pen there. Had he had the work? दोस्तों, क्या आपको इन सेंटेंसेस का मतलब समझ में आ रहा है? अगर नहीं तो चलिए फिर आज इसी तरह के सेंटेंसेस को सीखते हैं। Hi friends, welcome to the desk, Deva English Spoken Class. Friends, today I am going to teach you about an interesting topic. Okay friends, जैसा कि आपने पढ़ा कि has के साथ had, have के साथ had और had के साथ फिर से had हम कब लगाते हैं, किस तरह के सेंटेंसेस में हम इस तरह के वर्ड्स यानी हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हैं, तो यही आज हम सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे। फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप पूरा वीडियो देखना। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आए तो अभी आप स्किप कर लो भले ही, लेकिन अगर आप देखना चाहते हो तो पूरा देखना, तभी आपको समझ में भी आएगा और मज़ा भी आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपने हैज का इस्तेमाल किया, उसके बाद वी थ्री का इस्तेमाल किया, हैव का इस्तेमाल किया, उसके बाद वी थ्री का इस्तेमाल किया, सिर्फ हैज और हैव का भी इस्तेमाल किया, लेकिन हैज हैड, हैव हैड और हैड हैड, इन दोनों साथ में कब इस्तेमाल किया जाता है, यही आज हम सीखने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है कि हम ऐसा करते क्यों हैं, किस मीनिंग में करते हैं, किस अर्थ में करते हैं। तो सबसे पहले ये आप समझ लो कि हैज और हैव का दूसरा मतलब क्या होता है और क्या क्या मतलब होता है। हैज हैव को हम एज अ हेल्पिंग वर्ब भी यूज करते हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल होता है, लेकिन ये क्रिया के रूप में जब इस्तेमाल होता है तो इसका अर्थ क्या क्या होता है। तो हैज और हैव का इस्तेमाल ऐसे अर्थ में भी होता है कि पास होना, रखना, लेना, करना, खाना, पीना, इनके लिए भी हम हैज और हैव का इस्तेमाल करते हैं। और आजकल जो इंग्लिश बोली जा रही है उसमें हैज और हैव का इस्तेमाल लेना, रखना, करने के लिए ज़्यादातर किया जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, सो आप ध्यान से देखना और समझना। और इसका अगर हम इंग्लिश में बोले कि हैज के बाद हैड लगा, हैव के बाद हैड लगा, फिर हैड के बाद हैड लगा, तो उसका मतलब अगर इंग्लिश में हम बोले तो डन के लिए हम हैड लगा सकते हैं। ये एक चीज़ हैड हम किस किस चीज़ों के लिए लगा सकते हैं, किन किन वर्ड्स के लिए, तो डन के लिए, केप्ट के लिए, ईटन के लिए, ड्रंक और टेकन के लिए। हैड चूंकि थर्ड फॉर्म है इसलिए इसका हम रिप्लेस कर रहे हैं किन किन से, तो हम थर्ड फॉर्म से ही रिप्लेस करेंगे, डन से, केप्ट से, ईटन से, ड्रंक से और टेकन से। कहने का मतलब यह है कि जिस सेंटेंस में हम हैड लगाकर बना रहे हैंज हैव के बाद या हैड के बाद हम हैड लगा रहे हैं, उसमें हम इन सभी वर्ड्स में से या वर्ब में से कोई भी एक वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंगली सेंटेंस के अनुसार। ओके फ्रेंड्स, हम सेंटेंस से समझते जाते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ही हैज ईटन ब्रेकफास्ट, उसने ब्रेकफास्ट खा लिया है। ओके, यानी कि नाश्ता कर लिया है उसने। तो यहाँ पर अगर हम ईटन लिखते हैं, इसमें ईटन है, तो जिसमें जो भी दिखाई दे रहा है उसकी जगह पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस सेंटेंस को हम ऐसे भी बना सकते हैं कि ही हैज हैड द ब्रेकफास्ट। ओके फ्रेंड्स, ही हैज हैड द ब्रेकफास्ट, हम ईटन की जगह पर हैड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि उसने अपना नाश्ता कर लिया है या ले लिया है। यहां पर हम हैड की जगह टेकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ही हैज टेकन द ब्रेकफास्ट। ओके फ्रेंड्स, लेकिन अभी आपको हैड के बारे में समझना है इसलिए हैड के बारे में समझिए। दे हैव डन इट, दे हैव डन इट, तो इसके लिए हम दे हैव डन की जगह हम हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जितना भी वर्ड्स हमने लिखा है इसकी जगह पर हम हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। दे हैव हैड इट, उन्होंने यह कर लिया है। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पर हैव का मतलब हो गया कर लिया है। सी हैज ड्रंक मिल्क, सी हैज ड्रंक मिल्क, तो सी हैज यहां भी ड्रंक भी है, तो ड्रंक के लिए हम हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो सी हैज हैड मिल्क। तो यहां पर हैड का अर्थ क्या हो गया, पीना या लेना। यहां पर हम टेकन भी लिख सकते हैं कि सी हैज टेकन मिल्क। ओके फ्रेंड्स, सी हैज टेकन मिल्क, उसने दूध पी लिया है
या उसने दूध ले लिया है, तो यहां पर हम शी हैज हैड मिल्क बोल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम देखते हैं इन सेंटेंसेस को। ओके फ्रेंड्स, ये दूसरे सेंटेंस हमने लिखा है, आई हैड केप्ट द बुक ऑन द टेबल। ये कौन सा है? ये तीसरे टाइप के हैड। ओके, हैड के बाद हैड लगाने वाला आपका ये हैज और हैव के बाद हैड लगाने वाला सेंटेंस हो गया, अब ये हैड के बाद हैड वाला। ओके फ्रेंड्स, तो आई हैड केप्ट द बुक ऑन द टेबल। आई हैड केप्ट द बुक ऑन द टेबल, मैंने किताब टेबल पर रखी थी, यानी रख दी थी। ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, आई हैड केप्ट, यहाँ पर केप्ट है, केप्ट की जगह पर हम हैड भी लिख सकते हैं। आई हैड हैड द बुक ऑन द टेबल। ओके फ्रेंड्स, आई हैड हैड द बुक ऑन द टेबल, हम ऐसा लिख सकते हैं, बोल भी सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर हैड का मतलब क्या हो गया? रखना। ओके फ्रेंड्स, अभी दूसरा सेंटेंस है, हैड ही डन द वर्क। ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो हैड ही डन द वर्क, क्या उसने काम कर लिया था? तो यहां पर हम हैड पहले लिख देंगे, फिर उसके बाद ही, फिर यहां पर डन के लिए हम हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। डन भी यहां पर है, यहां डन, डन के लिए भी हम हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डन हैड द वर्क। ओके, तो यहां पर हैड का मतलब क्या हो गया? करना। हैड ही हैड द वर्क, क्या उसने काम कर लिया था? अभी तीसरा सेंटेंस है, व्हाई हैड यू नॉट टेकन द टी, तुमने चाय क्यों नहीं पी थी? तुमने चाय क्यों नहीं पी थी? तो यहां पर क्वेश्चन नोट हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस का, तो व्हाई हैड यू नॉट टेकन के लिए हम हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं, हैड द टी। ओके फ्रेंड्स, यहां पर हो गया हैड का मतलब पीना या लेना। यहां पर हम टेकन लिखे हैं, यानी कि टेकन भी लिख सकते हैं और हैड भी लिख सकते हैं। सो व्हाई हैड यू नॉट हैड द टी, व्हाई हैड यू नॉट हैड द टी, तुमने चाय क्यों नहीं पी थी? ओके फ्रेंड्स, ये हो गया हैड के बाद, यानी कि हैड के साथ फिर से हैड वाला इस्तेमाल वाला सेंटेंस। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने लिखे हैं बहुत सारे सेंटेंसेस लिख डाला मैंने इधर, थोड़े अलग तरह के हैं, पिछले सेंटेंसेस से हटकर है। तो इसमें हम शूट मस्ट ये वाले सेंटेंस पे हम नज़र डालेंगे, थोड़े अलग टाइप के हैं। तो इसमें हम हैड का इस्तेमाल कैसे करते हैं? इसमें एक सेंटेंस है, ही शुड हैव हैड अ गन, उसके पास गन होना चाहिए था। ओके फ्रेंड्स, पास वाला, अगर हम शूट वाले सेंटेंस में पास वाले सेंटेंस हम पास्ट में बोलते हैं, तो फिर उसमें हैव के बाद हैड ही लगता है, वहाँ पर अब कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा, वहाँ पर हम दूसरा नहीं लगा सकते। ओके फ्रेंड्स, ही शुड हैव हैड अ गन, जैसे कि मैंने पिछले सेंटेंस में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर टेकन लगा सकते हैं, यहाँ पर रिटर्न लगा सकते हैं, यहाँ पर डन लगा सकते हैं, वहाँ पर हैड की जगह पर, लेकिन यहाँ पर हैड की जगह पर हैड ही लगा सकते हैं हम, यहाँ पर हम और कुछ नहीं लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यू मस्ट हैव हैड मनी, तुम्हारे पास पैसे होने ही चाहिए थे, मतलब ज़रूर होने चाहिए थे। जैसा कि मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि मस्ट जब भी लगता है तो वहाँ पे ज़रूर या अवश्य का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ज़रूर या अवश्य वाले सेंटेंस में मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो यू मस्ट हैव हैड मनी। ओके फ्रेंड्स, तुम्हारे पास पैसे ज़रूर होने चाहिए थे या होने ही चाहिए थे। योर ब्रदर शुड हैव हैड अ कार, तुम्हारे भाई के पास एक कार होनी चाहिए थी। योर ब्रदर शुड हैव हैड अ कार। ओके फ्रेंड्स, इसमें ये चाहिए वाला में जो भी पास्ट में आएगा और वो पास वाला होगा कि उसके पास, तुम्हारे पास, मेरे पास होना ही चाहिए था, तुम्हारे पास होना ही चाहिए था, मेरे पास होना ही चाहिए था, उसके पास होना ही चाहिए था या होना चाहिए था, तो उसमें हम हैव के बाद हैड ही लगाते हैं। ओके फ्रेंड्स, शुड हैव के बाद या मस्ट हैव के बाद हैड ही लगाते हैं। अभी अगला सेंटेंस है, इफ ही हैड सेव्ड मनी ही कुड हैव हैड हिज ओन हाउस। ओके फ्रेंड्स, ये कंडीशनल सेंटेंस वाला हो गया, लेकिन कंडीशनल सेंटेंस वाले में यहाँ पर जो ये दूसरा सेंटेंस है ये
मे बी वाला है, मतलब कि हो सकता था, पक्के पक्के होने की बात नहीं की जा रही है। इफ ही हैड सेव्ड मनी, अगर उसने पैसे बचाए होते तो क्या होता, ही कुड हैव हैड हिज ओन हाउस, उसके पास अपना खुद का घर हो सकता था। यहाँ पर हो सकता था बोलेंगे, यहाँ पे ऐसा नहीं बोलेंगे कि उसके पास अपना घर होता, ऐसा नहीं बोलेंगे। यहाँ पर कुड हैव हैड है तो यहाँ पर हो सकता था बोलेंगे कि ही कुड हैव हैड हिज ओन हाउस। ओके फ्रेंड्स, अभी अगला सेंटेंस है, इफ ही वॉन्टेड ही मे हैव हैड एनीथिंग, अगर वो चाहा होता। ओके फ्रेंड्स, यानी इफ ही वॉन्टेड मतलब अगर वो चाहता था, यानी चाहा होता, इफ ही वॉन्टेड ही मे हैव हैड एनीथिंग, अगर वो चाहा होता तो उसके पास कुछ भी हो सकता था। ओके फ्रेंड्स, अगर वो चाहा होता तो उसके पास कुछ भी हो सकता था। ही मे हैव हैड एनीथिंग, यहाँ पर मे हैव के बाद हैड लगा। ओके फ्रेंड्स, ये भी संभावना वाली बात है। इफ यू हैड लर्नड इंग्लिश, अगर आपने इंग्लिश सीख ली होती या सीखी होती तो क्या हुआ होता, यू वुड हैव हैड अ गुड जॉब। अगर आपने इंग्लिश सीखी होती, अगर आपने इंग्लिश सीख ली होती या सीखी होती तो आपके पास एक अच्छा सा जॉब होता। ओके फ्रेंड्स, यू वुड हैव हैड अ गुड जॉब। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये थे हैज हैड, हैव हैड एंड हैड हैड का इस्तेमाल। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा आज का जो कॉन्सेप्ट था। और फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में आता है, मेरे क्लास से कुछ भी ज़रा भी फायदा होता है, तो वीडियो को देखते वक्त लाइक कर दिया कीजिए और कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए। और हाँ फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी का अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप बिना मिस किए इंग्लिश सीखते रहें। और एक बात और फ्रेंड्स, अगर आपका कोई दोस्त, अगर आपका कोई साथी, आपका कोई रिश्तेदार इंग्लिश सीखना चाहता है, उसका इंग्लिश बहुत कमज़ोर है और उसको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, या समय की कमी है, या पैसे की कमी है, तो वैसे लोगों तक भी आप हमारा वीडियो ज़रूर शेयर किया कीजिए। ओके फ्रेंड्स, ये इंसान की एक फ़र्ज़ होती है। सो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद। शुरू से इंग्लिश सीखने के लिए आप हमारे चैनल पर जाइए। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए। प्लेलिस्ट ओपन होने के बाद वहाँ पर लिखा हुआ आएगा स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री। हर स्टेप में लगभग 25 वीडियोस हैं, तो आपको स्टेप वन से शुरू करना है।